तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन है जिसमें कई मुद्दों पर सुनाई दी हैं बातें, जहां पर कई मुद्दे गूंज रहे हैं। इसमें कौशल्या विहार के गजराज तालाब का मुद्दा भी शामिल है। बीजेपी विधायक राजेश मूढ़त ने पूछा कि तालाब के आसपास की जमीन आमोद प्रमोद के इस्तेमाल होनी चाहिए थी, नियम विरुद्ध आरडीए ने लैंड यूज बदल दिया और टीएनसी से बिना अनुमति के आउट कैसे बदल सकता है और इसकी जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया कि टेंडर शर्तों का परीक्षण कराए जाएंगे, तालाब के आसपास की जमीन आमोद प्रमोद के रूप में इस्तेमाल होगी। बिहार के अंदर बोरिया तालाब को लेकर के ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने बोरिया तालाब का सुंदरकरण नियमों के विपरीत जाके करने की योजना बनाई। उस योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। इसके अंदर कितना कितना क्या हुआ तब तक ये पता नहीं लगेगा, इसलिए मंत्री जी ने कहा है हम नई प्रक्रिया भी लेकर के आ रहे हैं और इसको भी देखेंगे। उधर सोलर लाइट खरीदी घोटाले का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायक लता उसेंटी ने घोटाले का मुद्दा उठाया। लता उसेंटी ने पूछा था कि कोंडा गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई। मंत्री ने जवाब दिया कोई शिकायत नहीं मिली है। इस पर लता उसेंटी ने बताया उन्हें आरटीआई में 3 शिकायत होने जांच होने की जानकारी दी गई, जिसने गलत जानकारी दी उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेंगे। आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने भी घोषणा की सोलर लाइट खरीदी घोटाले की विधानसभा समिति ने जांच कराई जाएगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट के कितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई और उन पे क्या कार्रवाई की गई, और अभी जिन लोगों ने इस पे गलत जानकारियां दी हैं और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु सोलर लाइट पूरे प्रदेश में बन गया है और उसका श्रेय हमारे विपक्ष के बंधुओं को जाता है। माने काम हुआ है और इतने सब जो है मनमाने तरीके से माननीय आदरणीय लता उसेंडी जी इस सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के कदावर नेता है और आपकी भावना के अनुरूप मैं अध्यक्ष महोदय इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं सदन की समिति से जांच कराने के लिए मैं सहमत हूँ। तो आज विधानसभा मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधायक कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं चलिए जानते हैं। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि पंजीयन कार्यालय द्वारा लंबित प्रकरणों पर कितनी कार्रवाई हुई है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में गलत रजिस्ट्री और अनियमितता की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। कोटवारी जमीनों पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन 5 वर्षों में पंजीयन किया गया, उसे क्या निरस्त करेंगे। वित्त मंत्री ने जवाब दिया पंजीयन के विसंगतियों की बात सामने आई है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी करने का प्रयास कर रहे हैं, विजिलेंस लैब बनाया गया है, कोटवार जमीनों की गड़बड़ी की जांच करवाएंगे। राजेश मूढ़त ने पूछा पूर्व सरकार ने 30% स्टैंप ड्यूटी में छूट दी, क्या उसमें कैश पेमेंट की ही सुविधा दी गई थी, कितने लोगों ने कैश पेमेंट किया है इसकी जांच करवाएं, 99% कैश में ही शुल्क जमा किया गया। वित्त मंत्री ने जवाब दिया शुल्क बढ़ाने का कोई कार्य नहीं किया गया है, पूर्व सरकार ने गाइडलाइन रेट को कम कर दिया था और गाइडलाइन रेट कम होने का प्रभाव भूअर्जन वाले किसानों पर भी पड़ा है और जिसके कारण 120% नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, साथ ही लोन भी नहीं मिल पाता है। कैश पेमेंट की भी जांच करवाएंगे, ऑनलाइन की भी सुविधा शुरू कर दिया गया है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया है। चरणदास महंत ने पूछा आपने मात्र 19 खदानों को स्वीकृति दी है, उन खदानों से डालो माइंस या फिर लाइव स्टोन की जो खुदाई है जो चल रही है उसे राखड़ से बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हो रहा है, जिन खदानों की स्वीकृति आपने दी है उसकी जांच सही तरीके से नहीं होती, स्पेशल जांच दल बनाकर कितना रकबा कितना डालो माइट उत्पादन पर रहे हैं और साथ ही खुदाई कलकत्ता वाले कर रहे हैं और दोबारा तीसरी बार शोषण हो रहा है। शायराना अंदाज में कहा
अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते और उत्तर भी ऐसे हैं जो बताए नहीं जाते। तो वहीं ओपी चौधरी ने इस पर जवाब दिया और ओपी चौधरी ने बताया कि डालोमाइट की खदानों की 2016 में भी कई बार जांच हुई है, आगामी सत्र से पहले सभी खदानों की जांच हम करवाएंगे। मंत्री जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने पूर्व सरकार ने 30% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी, आपने उसके जाकर के आपने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी, तो क्या रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाएं तो क्या उसके अंदर कैश पेमेंट ही आपने स्वीकार किया, चेक या ड्राफ्ट से क्यों स्वीकार नहीं किया पंजीयन कार्यालय में, इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। कि सम्माननीय सदस्य ने एक लाइन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया, तो उसे मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पिछले सालों में, पिछली सरकार के समय में 30% की छूट गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था, गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था। उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2024 तक का था, 31 मार्च 2024 को वह जो नोटिफिकेशन की डेट थी वह स्वयमेव समाप्त हुई है, तो कोई बढ़ाने वाला विषय नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैश में उसके पेमेंट हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इसकी हम अभी मेरे पास जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा।